सो हाय गाइस, तो फाइनली फ्री फायर इंडिया वर्सन का डाउनलोड लिंक मिल चुका है। मतलब कहना यह कि फ्री फायर इंडिया वर्सन ओपन हो चुका है। अब भाई हमने इसको कैसे ओपन किया, ये सवाल आप लोग कर ही सकते हो। हाँ। खैर टेंशन ना करो, आज आपको बताऊंगा कैसे आप लोग फ्री फायर इंडिया वर्सन को डाउनलोड कर सकते हो, उसका क्या कुछ सीक्रेट ट्रिक, मतलब जो भी है किस तरीके से आप लोग उसको डाउनलोड कर पाओगे एंड उसके अंदर गेम प्ले कर पाओगे, आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। एंड हाँ, इसके अलावा फ्री फायर इंडिया वर्सन के अंदर कुछ न्यू चेंजेस भी आपको देखने को मिलने वाले, तो मैं आज कुछ न्यू चेंजेस भी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। और मजे की बात जानते हो, अभी के टाइम पे गेम के अंदर जिसका 3 घंटा 6 घंटा गेम प्ले हो जा रहा है, मतलब टाइम कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद उस आईडी को डायरेक्टली गेम के अंदर से लॉग आउट कर दिया जा रहा है। अब बहुत से भाई लोग ये सोच रहे हैं कि यार डायरेक्टली अगर लॉग आउट हो जाएगा तो हम अपने इवेंट के अंदर से फ्री के रिवॉर्ड्स कैसे क्लेम कर लेंगे, मेंबरशिप अगर किसी ने एक्टिव कर रखा है तो उसका डायमंड कैसे क्लेम करेंगे, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है आज मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। और तो और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने ई स्पोर्ट्स के बारे में। देखो, ई स्पोर्ट्स मतलब जो फ्री फायर इंडिया वर्सन के अंदर दिया जाएगा ई स्पोर्ट्स यानी कि टूर्नामेंट, उसको कब तक दिया जाएगा एंड उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आया है। सो आज इस वीडियो के अंदर हम वो भी कवर करने वाले हैं। और हाँ, वैसे मैं शुरुआत इसी से करूंगा, तो आओ स्टार्ट करते वीडियो को बिना देर किए। अब गाइस को इस टाइम पे भाई बहुत से भाई लोग ये सोच रहे हैं कि भाई प्ले स्टोर के अंदर जाके हम अगर फ्री फायर इंडिया वर्सन को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन 5 तारीख के दिन इस चीज को पूरा बंद कर दिया गया, यानी कि अभी के टाइम पे भाई कोई भी फ्री फायर इंडिया वर्सन को डाउनलोड नहीं कर सकता और ना ही गेम प्ले कर सकता है उसके अंदर। अब इसको लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आ रहा है कि गवर्नर ने इसको जो रोक दिया है फ्री फायर इंडिया वर्सन को, बहुत से भाई लोग के दिमाग में ये चल रहा है शायद ये अभी नहीं आएगा। तो भाई ऐसी बात नहीं है, फ्री फायर इंडिया वर्सन को बस रोका गया है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि गेम के अंदर कुछ गवर्नर वालों को मेंटेनेंस ब्रेक देकर काम करने से बेहतर यही है कि गेम को लॉन्च करे उसके पहले ही गेम को बिल्कुल सही कर दिया जाए, ताकि भाई बाद में फिर इसके अंदर अपडेट देकर गेम को कुछ और छेड़खानी ना करना पड़े, पहले से ही गेम जो है बेहतर होकर एकदम। एंड इसके अलावा गाइस कुछ और भी कारण था जो कि आपको मैंने कल बताया था, एमएस धोनी सर का होने वाला कोलैबोरेशन, जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फ्री फायर के, तो उनके जितने सारे फैन है वो भी गेम के अंदर आ रहे हैं, फ्री फायर इंडिया का होकर आ रहा है, तो उस वैसे भी बहुत से प्लेयर फ्री फायर गेम में बैक आ रहे हैं। और इसके लिए आपको एक बहुत तगड़ी गुड न्यूज यहाँ पर देने वाला हूँ, और वो ये है कि भाई देखो, पहले के टाइम पे जब फ्री फायर था, नॉर्मल फ्री फायर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे एक दिन में फ्री फायर गेम के अंदर लगभग 80 मिलियन 70 मिलियन प्लेयर एक साथ में एक्टिव होते थे, मतलब एक साथ में गेम प्ले करते थे 80 मिलियन प्लेयर। और देखो यार, ये 80 मिलियन कोई मजाक नहीं है, अगर इतने सारे प्लेयर एक साथ में गेम प्ले कर सकते तो भाई समझ सकते हो कि तब फ्री फायर का क्रेज कितना ज्यादा था। लेकिन उसके बाद अगर हम अभी के टाइम पे बात करें तो भाई बहुत कम प्लेयर गेम प्ले करते हैं, 80 मिलियन दूर की बात है भाई, अभी बहुत कम प्लेयर गेम में एक्टिव होते हैं। लेकिन आप लोगों को यह सुनकर हैरानी होगा कि जो फ्री फायर मैक्स है उसके अंदर तो अभी कम प्लेयर होते हैं, लेकिन जो फ्री फायर इंडिया वर्सन आने वाले है बस 4 दिन के अंदर, उसमें कुछ लीक्स के माने तो कही कह रहा है कि 400 मिलियन, बाकी इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको गाइस यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो फ्री फायर इंडिया वर्सन आया था प्ले स्टोर के अंदर 1 सितंबर को, तो भाई देखो उसके अंदर लगभग 45 मिलियन प्लेयर एक साथ में प्री रजिस्टर कर दिए थे, और वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर, यानी कि 1 तारीख आया, 2 तारीख और 3 तारीख, और सिर्फ ये 2 से 3 दिन के अंदर हमको देखने को मिला है प्ले स्टोर के अंदर तकरीबन 45 मिलियन प्लेयर एक साथ में प्री रजिस्टर कर दिए थे। मजे की बात जानते हो, ये अदर किसी भी कंट्री से आया नहीं है, सारे के सारे प्लेयर इंडिया का है, मतलब देख सकते हो पहले के टाइम पे पूरे वर्ल्ड हर एक मतलब जगह के प्लेयर को मिलाकर 80 मिलियन प्लेयर गेम प्ले करते थे, मतलब फ्री फायर के अंदर। लेकिन अभी सिर्फ इंडिया से 45 मिलियन यूजर ऐसे जो कि फ्री फायर इंडिया वर्सन को चाहते हैं खेलना एंड उसके लिए प्री रजिस्टर कर लिए थे, और ये अमाउंट इतना बड़ा है, ये संख्या इतना बड़ा है, गणना बलों को पता लग गया है कि अगर हम इतने सारे प्लेयर के लिए एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं इंडिया सर्वर जैसा खुद का सर्वर, तो इसमें चलाने के लिए सर्वर को बेहतर करना पड़ेगा। एंड अगर हम चाहते हैं कि 45 मिलियन प्लेयर एक साथ में गेम प्ले करें, तो सर्वर को भी कुछ ऐसे ही बनाना पड़ेगा। एंड भाई देखो, यही कुछ कारण है जिसलिए गवर्नर वाले को गेम को अभी जो है पूरा रोक दिया है। गवर्नर वाले का कहना है ये सितंबर महीना एंड होने से पहले ही अपना फ्री फायर इंडिया वर्सन प्ले स्टोर के अंदर आ जाएगा। कब आ सकता है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, उसके पहले एक प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व कर देते हैं आप सभी का, जो कि कुछ ऐसा है, गेम के अंदर एक लिमिटेशन लगाया गया है गेम प्ले करने का, 3 घंटा और 6 घंटा। अब 18 साल के नीचे वाले भाई लोग 3 घंटा और अगर ऊपर हो तो 6 घंटा। लेकिन एक प्रॉब्लम बात यह है कि अगर कोई भी 6 घंटा फिर 3 घंटा गेम प्ले कर ले रहा है, जैसे ही वो टाइम खत्म होता है उनका जो आईडी है वो लॉग आउट हो जा रहा है। अब अगर टाइम कंप्लीट होता है तो भाई गेम बंद कर दो, लेकिन लॉग आउट क्यों करा जा रहा है अपने आईडी को? और इसमें प्रॉब्लम वाली बात यह है, अगर मान लो कोई मेंबरशिप लगा रखा है लेकिन उसको एक्टिव कर रखा गया है, बट आप लोग जानते हो कि आप लोग को हर दिन मेंबरशिप को जो है क्लेम करना पड़ता है, अगर आप लोग क्लेम नहीं करोगे तो उस दिन का डायमंड छूट जाएगा। अब मान लो भाई आप लोगों ने गेम प्ले कर रहे हो और भूल चुके हो कि भाई हमको मेंबरशिप क्लेम करना है, लेकिन अब जबकि आपका गेम बंद हो जाएगा अपने आईडी को लॉग आउट कर दिया जाएगा, उसके बाद जैसे आप लोग उस आईडी को लॉग इन करोगे जिस आईडी में ऑलरेडी आप लोगों ने गेम प्ले कर लिया हो 3 घंटा या फिर 6 घंटा, उस आईडी को आप लोग लॉग इन नहीं कर पाओगे एंड जिस वजह से भाई मेंबरशिप छूट जाएगा, या फिर कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स जिसको कि मिशन कंप्लीट करने पर दिया जाएगा, 40-50 किल करो उसके बाद
बाद आपको ये रिवॉर्ड्स फ्री में मिलने वाले हैं। अब अगर गेम बंद हो जाएगा, आईडी ही लॉग आउट हो जाएगा, तो उस रिवॉर्ड्स को आप लोग कैसे क्लेम करोगे? ये प्रॉब्लम आ रहा है सबके साथ में। इसका सॉल्यूशन क्या है आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर कुछ भी रिवॉर्ड्स या फिर मेंबरशिप आपको क्लेम करना है तो पहले गेम के अंदर जाके उस चीज़ को क्लेम कर लेना, उसके बाद ही गेम प्ले करना। क्योंकि देखो 3 घंटे बाद अपने आईडी को लॉग आउट कर दिया जाएगा, अगर 6 घंटा बड़े वाटर चलते तो 6 घंटा अपने आईडी को बिल्कुल लॉग आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग लॉग इन भी नहीं कर सकते एंड रिवॉर्ड्स को क्लेम भी नहीं कर सकते। तो पहले रिवॉर्ड्स क्लेम करो, मेंबरशिप क्लेम करो एंड उसके बाद जाके गेम प्ले करना। तो ये तो हो गया अपना पहला तरीका। और भाई दूसरी बात यह है कि जब भी आप लोग गेम खेलने लगो तो भाई आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि आप लोग कितना बजे से गेम के अंदर ऑनलाइन आए हो। 3 घंटा कंप्लीट होने से पहले ही उसके 1-2 मिनट पहले ही गेम खत्म कर दो एंड भाई जाके जितने सारे मिशन आप लोगों ने कंप्लीट किया हो उसका जो भी रिवॉर्ड है पहले उसको क्लेम कर लो। और उसके बाद जैसे अपना आईडी बंद हो जाएगा आप लोग नेक्स्ट डे दोबारा फिर से 3 घंटा 6 घंटा जो है गेम प्ले कर सकते हो। तो ये बड़े प्रॉब्लम का बस 2 ही सॉल्यूशन है जो कि आपको यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशन तो मेरे नजर में आ नहीं रहा है कि जिसको यूज करके आप लोग अपने फ्री फायर गेम के अंदर से रिवॉर्ड्स या फिर मेंबरशिप को क्लेम कर पाओ। फिलहाल 2 ही सॉल्यूशन निकल कर आ गया था जो कि मैं खुद निकाला हूँ एंड आप लोग को बताया हूँ। ये किसी लीक्स नहीं भाई, हमने खुद से सोचकर आपको बताया कि ऐसा अगर काम करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम से बचा दिया जाएगा या फिर आप लोग बच के रह सकते हो। आओ गाइस अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने ई स्पोर्ट्स के बारे में एंड साथ में आप लोगों के कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के बारे में जो कि मैं एक साथ में कवर करने वाला हूँ। आप सबके कमेंट को भी यहाँ पर डायरेक्टली पिक कर लूंगा एंड फ्री फायर को किस डेट को प्ले स्टोर के अंदर दिया जाएगा और ई स्पोर्ट्स के ऊपर क्या कुछ अपडेट है सब कुछ एक साथ में कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनो एंड देखते रहो। अब गाइस को जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक वीडियो क्लिप देख पा रहे हो जहाँ पर यह लिखा गया है सेप्टेम्बर से लेकर अक्टूबर तक एक टूर्नामेंट चलने वाले है जो कि उत्तर प्रदेश में होगा और उसको किस लिए दिया जाएगा क्योंकि फ्री फायर इंडिया वर्सन आ रहा है। फ्री फायर इंडिया वर्सन के अंदर ये टूर्नामेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाले है। आप लोगों ने महीने को गौर से सुने हो, सेप्टेम्बर महीना यानी कि अभी चल रहा है सेप्टेम्बर महीना। सेप्टेम्बर महीने से ही टूर्नामेंट को स्टार्ट किया जाएगा किसके अंदर, फ्री फायर इंडिया वर्सन के अंदर। चलने वाले है कब तक, अक्टूबर महीने तक। कहां पर होगा, उत्तर प्रदेश में। तो भाई कहना क्या है, अगर फ्री फायर इंडिया वर्सन प्ले स्टोर के अंदर नहीं आएगा, अगर हम उसको गेम प्ले नहीं कर पाएंगे तो उसके अंदर टूर्नामेंट कैसे होगा? तो भाई क्लियर सी बात है, सेप्टेम्बर महीना एंड होने से पहले आप लोगों को फ्री फायर इंडिया वर्सन देखने को मिल जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर और वो आएगा, उसके बाद ही टूर्नामेंट का जो कार्यक्रम है उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो भाई कहना ये कि सितंबर मंथ एंड हो उसके कुछ दिन पहले ही फ्री फायर इंडिया वर्सन को प्ले स्टोर के अंदर दे दिया जाएगा। अगर हम एक एक्सपेक्टेड डेट बताए, मतलब अगर हम थोड़ा सा अंदाजा लगाए तो भाई देखो आप लोगों को तकरीबन 26 तारीख तक, मतलब 25-26 या 27 तारीख तक फ्री फायर इंडिया वर्सन प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएंगे या फिर उसके 1-2 दिन पहले भी आ सकता है। अब थोड़ा सा करने वाले लेट क्यों कर रहे हैं, पहले ही बता दिया हूं सर्वर ठीक करना है करने वाले को। खैर गाइस को तो भाई ये बात क्लियर होगा कि आप लोगों को फ्री फायर इंडिया वर्सन देखने को मिलने वाले कब, अपने सितंबर महीने पे ही, क्योंकि भाई इसके अलावा टूर्नामेंट स्टार्ट हो नहीं सकता। तो ये बात तो क्लियर है कि सितंबर भाई फ्री फायर इंडिया वर्सन आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं। तो पहला कमेंट था इवो वॉल्ट या फिर इवो बोनांजा इवेंट कब आएगा और रसगुल्ला खाते खाते थक गया यार। तो सबसे पहली बात भाई कुछ दिन बाद दोबारा रसगुल्ला खा लीजिएगा और एक पेटी वैसे याद करके मेरे घर पहले भिजवाइएगा कि यार फ्री फायर इंडिया वर्सन आ रहा है तो उस खुशी में कम से कम मैं भी रसगुल्ला खा लूंगा और भेजना का काम जो है वो आपका है। एंड रही बात इवो वॉल्ट इवेंट, तो देखो डेट तो कंफर्म नहीं हुआ है जिस वजह से इस वीडियो के अंदर आपको मैं डेट कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप पहले फ्री फायर इंडिया वर्सन का लोचा खत्म होने दो, उसके बाद भाई अपने इवो वॉल्ट के बारे में अपडेट दे देंगे। अगला कमेंट था कि सनी भाई वो पैथ है पैच नहीं। अब देखो भाई साहब कल एक इवेंट आया था उसको मैंने कवर किया था जहां पर मैंने ये कहा था कि भाई एक पैच लिखा हुआ है पैच टू विक्ट्री। तो भाई देखो असल में मुद्दा ये है कि कोई है जिसका नाम यहाँ पर मैं ले नहीं चाहता, क्योंकि अपने ऑडियंस को भाई वीडियो के अंदर कुछ भी बग देता है, मतलब बस व्यूज आ जाए इतना ही उसका काफी है। तो इसलिए भाई मैं उसको जरा समझाने के लिए, फिर कह सकते हो उसको इनडायरेक्टली बात समझाने के लिए मैं इस टॉपिक को कवर किया था। एंड दूसरी बात भाई मैं जानबूझकर कुछ इंग्लिश गलत बोलता हूँ ताकि आप लोगों को सुनकर थोड़ा सा मजा आए और मेरा वीडियो थोड़ा सा इंग्लिश में लास्ट में आता ही है फनी मोमेंट। तो बस देखो यही कुछ बात था जिसलिए भाई मैं उसको कल पैथ बोला नहीं था, पैच बोला था बल्कि। यार अगला कमेंट है सनी भाई आपके चैनल में ज्वाइन हो रहा हूँ, तो भाई दिल से थैंक यू ज्वाइन होने के लिए और भाई मैंने आपको रिप्लाई भी दिया है क्योंकि भाई ज्वाइन हुए हो, सो अगेन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। खैर तो भाई कैमरामैन ने फोकस कर दिया है, तो भाई देखो फोकस इस बात पे रुक गया है कि फ्री फायर कब आने वाले हैं इंडिया वर्सन के रूप में, जो कि मैं आज के इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर कर दिया हूं। तो इसलिए भाई वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो माय टुडे वीडियो इज यहीं पर एंडिंग एंड आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।